हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CMS एंड फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। आखिर ये CMS एंड फ्रेमवर्क क्या होता है और ये गाली लिनक्स में इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, CMS को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं CMS क्या होता है। तो दोस्तों, CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कंटेंट क्या होता है, तो दोस्तों जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं वो हमारा कहलाता है कंटेंट। ये ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई टेक्स्ट फाइल वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं उसको मैनेजमेंट करने वाले सिस्टम को ही CMS कहा जाता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ अपलोड किया, अपलोड करने के बाद उसमें कोई भी चीज़ एडिट वगैरह, कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करनी पड़ती है, या कभी कभी कंटेंट को डिलीट करना पड़ता है, तो हमें कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम चाहिए ही होगा जिससे हम ऑनलाइन अपलोड किए गए कॉन्टेंट के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट वगैरह कर सके। तो यही हमारा होता है CMS। जैसे दोस्तों, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं या ब्लॉगर वगैरह होते हैं वो वर्डप्रेस का नाम सुने होंगे। तो दोस्तों, वर्डप्रेस एक तरीके का क्या है, CMS। यानी जो भी आप वेबसाइट बना है, अगर उस वेबसाइट के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ें एडिट वगैरह करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो वर्डप्रेस के द्वारा हम कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस हमारा क्या हो गया, एक तरीके से CMS हो गया, जिसका यूज़ करके हम अपने कंटेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, जो यू लोग यूट्यूबर होंगे, यूट्यूबर लोगों के लिए एक YouTube स्टूडियो नाम का एप्लीकेशन होता है। वहाँ से वो अपने चैनल पर जो भी वीडियो पड़ी होती है उसके अंदर कोई भी टैग वगैरह लगा सकते हैं, उसका यूज़ करके अपने वीडियोस के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से CMS होता है। तो दोस्तों, CMS का यही काम होता है कि ऑनलाइन पड़े हुए जो भी कंटेंट होते हैं उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना, यही काम होता है CMS का। तो इतनी आपके लिए जानकारी काफ़ी है। अब हम सोचो समझते हैं कि आखिर ये फ्रेमवर्क क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए एक आप कोडिंग करने वाले कोई पर्सन है, कोडिंग करने वाले लोगों को ये ज़्यादा इजीली समझ में आ गया है आएगा फ्रेमवर्क। तो जैसे दोस्तों, मान लीजिए आप कोई कोडर हैं, तो कोडर लोगों को करना क्या पड़ता है कि बहुत लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते हैं, और कभी कभी दोस्तों ऐसा समय आता है कि सेम ही कोड को हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए कि हमें सेम कोड बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए हम फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है। फ्रेमवर्क क्या करता है कि एक तरीके से कोड का कोई ढांचा होता है, कोई प्रोग्राम होता है, जिसका यूज़ हम लोग मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, जिससे हमारा समय भी बच जाता है और हमारा जो भी कोडिंग करेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम बनाएंगे, उसकी लेंथ कम हो जाती है। दोस्तों, फ्रेमवर्कों को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ईंट बनाने वाला पर्सन है, अगर उसको 1000 ईंट बनानी है, अगर वो एक एक करके ईंट बनाएगा 1000, तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो एक लकड़ी का बॉक्स यूज़ करता है जिसके अंदर केवल मिट्टी भर के उसको सपाट कर दे, तो उस लकड़ी के बॉक्स से 1000 ईंट बनाना काफ़ी इजी होगा। सिंपली वो करेगा क्या, उस लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी भरेगा और ईंट का ढांचा आराम से जल्दी जल्दी तैयार कर लेगा। तो दोस्तों, जो वो लकड़ी का बॉक्स रहता है वो हमारा क्या रहता है, एक तरीके से फ्रेमवर्क होता है। यानी कि सारी 1000 या 1500 जितने भी ईंट बनाएंगे, उस पूरे ईंट को बनाने में वो लकड़ी का बॉक्स एक तरीके से फ्रेमवर्क का काम करेगा। इसी तरह दोस्तों, कोडिंग के दुनिया में भी और वेब डेवलपमेंट में भी होता है। यानी बहुत सारे हमारे पास ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं या ऐसे कोड होते हैं जिनका यूज़ हम अपने सॉफ्टवेयर बनाने में या कोई एप्लीकेशन बनाने में करते हैं, तो हमको बार बार वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसके अंदर आपको क्लॉक यूज़ करना है, तो क्लॉक का जो कोड होता है वो पहले ही से पड़ा होता है। अगर आप चाहें केवल कॉपी पेस्ट करके उस क्लॉक का जो कोड होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी कोई ऐप बना रहे हैं, तो ऐप बनाने में उसके अंदर कोई मैप या कोई लॉगिन से रिलेटेड अगर आप पेज लगा रहे हैं, तो ये सब पेज बहुत पहले से ही बने पड़े हुए हैं, इनके कोड को केवल आप कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक तरीके से फ्रेमवर्क का हिस्सा हो जाती है। यानी फ्रेमवर्क हमको किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देता है। दोस्तों, कुछ फेमस फ्रेमवर्क के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे एंगुलर, तो ये जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोडिंग वगैरह करेंगे तो एंगुलर के बहुत सारे फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं। उसके अलावा लारावेल, ये भी काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है। जब आप PHP लैंग्वेज में कोडिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ पे लारावेल के फ्रेमवर्क काफ़ी यूज़ होते हैं। उसके अलावा दोस्तों, एक जेंगो है,
जो कि वेब ऐप डेवलप, जैसे वेब ऐप अगर आप डेवलप करेंगे, वेब ऐप के बारे में मैंने पिछले वाले ही वीडियो बताया था, तो अगर आप वेब ऐप कोई डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो जेंगो है उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। इस फ्रेमवर्क के अंदर के कोड्स को आप यूज़ करके अपने प्रोग्राम को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे फ्रेमवर्क हमारे पास होते हैं जिनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम में या कोडिंग में कर सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये समझ में आ गया होगा CMS और फ्रेमवर्क। वैसे दोस्तों इसके अंदर अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इस आगे के कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो CMS और फ्रेमवर्क से रिलेटेड ये जानकारी काफ़ी इनफ है। अगर दोस्तों अगर आपको कुछ और भी जानना होगा तो मुझे आप बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये CMS और फ्रेमवर्क वाला वीडियो पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी मेन बातें थी लगभग तो मैंने इसमें सभी बता दी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।